बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो में। तो हर रोज़ की तरह आज 20 मई का बिहार करेंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। बिहार से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको। हर रोज़ आपको डेली करेंट अफेयर्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चैनल पर नए हो तो सिविल इंजीनियर्स ब्रो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन हर रोज़ आपको मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करे बिना नहीं जाना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी है और देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, और वीकली एक सप्ताह का पूरा जो करेंट अफेयर्स होगा लास्ट वीक का, उसके रिगार्डिंग आपको आपके लिए एक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि शाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स क्या बन सकता है। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार द्वारा HIT ऐप लॉन्च किए जाने के बाद इनके द्वारा कहा गया कि इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो HIT ऐप लॉन्च किया गया है कोरोना से ग्रसित, ठीक है, कोरोना के मरीज जो घर में रहकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको प्रोटेक्ट उनको ट्रैक करने के लिए यह HIT ऐप लॉन्च किया गया था बिहार सरकार द्वारा। इसका उपलब्धता देखकर देश में भी जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है। तो जल्द ही पूरे देश में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में एक दिन में कोरोना से मृत्यु के मामले में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो बतला दें कि भारत जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना से एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत अपने भारत में हुआ है, लगभग 4,519। ठीक है, इसके पहले सबसे ज़्यादा मौत एक दिन का आंकड़ा अमेरिका का था। ठीक है, जो कि भारत इसको पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर टू था ये। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, हाल ही में हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना से मृत्यु हो गया है। ठीक है, उत्तर है डॉक्टर प्रभात कुमार एवं KK अग्रवाल। बतला दें कि ये जो KK अग्रवाल है या पद्म श्री से सम्मानित हृदय रोग विशेषज्ञ थे जिनका मृत्यु 62 साल के उम्र में हुआ, कोरोना से हुआ है। वही प्रभात कुमार पटना के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ थे जिनका निधन 54 साल के उम्र में हुआ है। ठीक है, तो भारत में दो दो जो है हृदय रोग विशेषज्ञ कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। दोनों स्पेशलिस्ट थे, हृदय के स्पेशलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर चार है, बता दें कि हाल ही में SKMCH की पूर्व प्रधानाध्यापक का निधन हो गया है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी हॉस्पिटल एवं कॉलेज है उसके पूर्व प्रधानाध्यापक का निधन हो गया है, जो कि डॉक्टर US पांडे थे। इनका कोरोना के कारण निधन हो गया है, डॉक्टर US पांडे। बतलाना है आपको, हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ और कब खेला जाएगा। तो बता दें कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में शुरू होने जा रहा है 24 मई से। यह पहले मुंबई में आयोजित सॉरी यह पहले भारत में आयोजित होना वाला था, लेकिन ड्यू टू कोरोना इसको शिफ्ट किया गया है दुबई में, 24 मई से खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कोरोना के 8 करोड़ डोज जरूरतमंद देशों को किस देश ने देने का वादा किया है। तो बता दें अमेरिका जो है विभिन्न देशों को 8 करोड़ डोज कोरोना के 8 करोड़ डोज जो है देने का वादा किया है। डोज से मतलब है कोरोना वैक्सीन। ठीक है, तुर्की देश के राष्ट्रपति का नाम बतलाना है आपको, तो एर्दोगन जो है तुर्की के राष्ट्रपति है एर्दोगन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बतलाना है आपको, तो बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा है, BS येदियुरप्पा। सभी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार के देश के सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स बन सकता है 20 मई का, वो करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए और जो भी ज़रूरत लगता है आपको उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं बिहार के या देश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं। हाल ही में एक अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया, वह थे उनका नाम बतलाना है, तो अमेरिकी अभिनेता चार्ल्स ग्रोडिन का निधन हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने एक्सपैट
एक्सपैट इनसाइडर 2021 सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, इसके बारे में बतलाना है आपको। ठीक है, तो बतला दूं कि समुदाय संगठन इंटरनेशनल, ठीक है, जो कि एक्सपैट इनसाइडर 2021 सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, इसका मतलब क्या है कि जो विदेश में रहने एवं काम करने के लिए सर्वोत्तम स्थलों को बतलाता है। ये जो एक्सपैट इनसाइडर 2021 है, इसमें विदेश में रहने एवं काम करने के लिए सर्वोत्तम स्थलों को बतलाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप देख पाएंगे कि कौन सा देश आपके लिए सुरक्षित है, कामों के लिए उचित है, जाना सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन ने हाल ही में महासागर निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो इसका नाम बतलाना है आपको। चीन ने हाल ही में महासागर निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो बतला दूं कि यह हयांग 2D है। जी हाँ दोस्तों, हयांग 2D HY2D जो कि महासागर निगरानी के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है चीन द्वारा। ठीक है, तो बतला दूं जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का करना किसी भी एग्जाम में, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हर रोज़ आपको बिहार करेंट अफेयर्स से रिलेटेड सुबह में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इसलिए चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। बतला दूँ कि पहला मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और यह पहला मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। तो 2018 के बाद हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सिविल इंजीनियर्स ब्रो, जहां आपको विभिन्न एग्जाम में उपयोगी करेंट अफेयर्स मिल जाते हैं, डेली करेंट अफेयर्स मिल जाते हैं। साथ में शाम में 7:15 पर आपको 30 GS के प्रश्न सेट प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे के करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।